दोस्तों, आज मैं अपने सीरीज द इफेक्ट ऑफ पैंडेमिक ऑन वर्ल्ड लिटरेचर एंड कल्चर के छठे एपिसोड को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज मैं दो नॉन फिक्शन किताबों के बारे में बात करूंगा और दो फिक्शन यानी दो नावलों के बारे में बात करूंगा, उपन्यासों के बारे में। पहली जो किताब है नॉन फिक्शन, उसका नाम है द पेंडेमिक सेंचुरी। ये मार्क हैनिंग्स बॉम ने लिखा है, जो कि एक जर्नलिस्ट है, साइंस जर्नलिस्ट लेखक हैं और फेलो ऑफ रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के मेंबर हैं। ये किताब 2019 में आई है और इस किताब में पिछले 100 साल में हुई 10 महामारियों का जिक्र है और उसके एनालिसिस भी है। ये इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये 102 सालों का एक इतिहास सा है, जिसमें स्पेनिश फ्लू से लेकर के 2015 तक के जिका जो वायरस था, जिका एरप्शन तक के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसके लिए विज्ञान, इतिहास, चिकित्सा, समाजवाद और फ्रंटलाइन रिपोर्ट को भी शामिल किया है। हैनिंग्स बॉम की इस किताब में उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है, पहली बात, कि जब भी कोई महामारी फैलती है तो अधिकारी और सत्ता हमेशा महामारियों के बारे में जनता को गुमराह करते हैं और ये जनता को नहीं बताते हैं कि दरअसल फैक्ट एंड फिगर क्या है, वस्तु स्थिति क्या है। नंबर दो, लेकिन मीडिया और अन्य स्रोतों से जब लोगों को सच का पता चल जाता है, तब अधिकारी और सरकार महामारियों की खबरों को सनसनीखेज बना देते हैं ताकि लोगों में डर फैल जाता है, लोग पैनिक हो जाते हैं। तीसरी बात, उन्होंने जो रेखांकित की है कि मेडिकल रिसर्चर्स जनरली गुलाम हो जाते हैं, कैदी हो जाते हैं कुछ सोच, कुछ दृष्टिकोण के, जिनमें कि बीमारी के कारणों पर भी जो बात कही जाती है आमतौर पर, उसको उसी के दायरे में वो बंद कर रह जाते हैं। वो बहुत देर बाद उनकी समझ में आता है कि जो नई महामारी फैली है ये एक नए प्रकार का प्रकोप है। चौथी बात जो हैनिंग्स बॉम ने बताया है कि जो बीमारियां हैं, जो वायरस है, वो पर्यावरण की बिगड़ती हालत और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहे हैं और होते रहेंगे और हर बार ये वायरस अधिक ताकतवर होकर आएंगे। पांचवी बात उन्होंने जो बताई है कि महामारियों के फैलने के बाद वैज्ञानिक और चिकित्सक बड़ी तत्परता से उस पर काबू पाने के काम में जुट जाते हैं और अधिक विनाश होने से मानवता को बचा लेने में अंततः सफल होते हैं। इस हिसाब से लेखक ने बड़ी बेबाकी से जन स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत बनाने की जरूरत पर उन्होंने जोर दिया है। दूसरी किताब जो है वो जो है पैंडेमिक ड्रीम्स बाय डिएट्रे बैरेट की किताब है, ये 2020 में आई है। डिएट्रे बैरेट जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और साइकोलॉजी पढ़ाती हैं एक
हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, और वो उन्होंने महामारियों के बाद लोगों के मन मस्तिष्क पर क्या असर पड़ता है उस पर उन्होंने ये किताब लिखी है। वो सवाल करते हैं कि क्या आप जानते हैं कि महामारियां, लॉकडाउन, होम क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग, मरने वालों की बढ़ती संख्या, इलाज में अव्यवस्था, अस्पतालों की दुर्दशा हमारे मन मस्तिष्क को किस तरह से प्रभावित करती है। डिएट्री ने पैनडेमिक ड्रीम्स में उन कोरोना काल के दौरान लोगों के सपनों में आए चेंजेस को लेकर अपना शोध किया। ये शोध का निष्कर्ष और विश्लेषण इस किताब में समाहित है। इस किताब में बैरेट ने बताया है कि कैसे COVID-19 की महामारी के प्रकोप ने लोगों के सपनों को डरावना बना दिया है। उन्होंने 9000 सपनों का विश्लेषण और अध्ययन करने के बाद पाया कि सपनों में वायरस से ग्रस्त होने का डर अक्सर लोगों के दिमाग में आता है, यानी कि सपनों में वो परिलक्षित होता है। जो घर में जो लोग बंध जाते हैं, जो बांध दिए जाते हैं, शेल्टरिंग जो होती है, शेल्टरिंग एट होम, उसमें उनके मन मस्तिष्क में रिएक्शंस होता है, वर्क चेंजेस का असर पड़ता है, उनको डर लगता है कि उनका जो काम है वो जो काम करने का जो तौर तरीका है वो बदल जाएगा, नौकरी छूट जाएगी। बच्चे जो होम स्कूलिंग करते हैं उनके मन मस्तिष्क पर भी बहुत सारा प्रभाव पड़ता है कि वो स्कूल न जा करके घर में पढ़ाई कर रहे हैं, दोस्तों से उनकी बातचीत नहीं हो पा रही, दोस्तों से मेल मुलाकात नहीं हो पा रही है, और जो एक सामूहिकता खेल कूद जो स्कूलों के प्रांगण में होता है वो नहीं हो पाता है, हो पा रहा है, जिससे उनका जो मानसिक जो स्थिति है वो स्ट्रेसफुल हो जाती है, तनावग्रस्त हो जाती है। ये भी इसका भी असर सपनों पर हुआ है। उन्होंने देखा कि इंक्रीज आइसोलेशन और क्राउडिंग का भी सपनों पर असर हुआ है, और लोगों ने सपनों में बग्स अटैक के हमले को देखा है, भूत और डरानी इमेजेस का दिखना शुरू हो जाता है, नाइटमेयर्स हो जाता है। एक महिला ने बताया कि वो सपने में उसने देखा कि उसके पेट पर अचानक नीली धारियां उभर आई और वो अचकचा कर उठकर बैठ गई और उसे लगा कि वो कोरोना वायरस से ग्रस्त हो गई। एक व्यक्ति ने बताया कि उसने ये देखा कि अजीब किस्म के जीव जंतु ने उसके ऊपर अचानक से हमला कर दिया है और वो बचने के लिए बहुत परेशान है। एक महिला ने देखा कि उसके घर को क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया है और बहुत लोग इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन वो लोग जो हैं वो मास्क नहीं लगाए हुए हैं और वो इधर से उधर जा रहे हैं। उसको डर समा गया और वो सपने में उसने देखा कि उसकी बेटी जो बाहर रह रही है उसको वायरस ने ग्रस्त कर लिया है। वो इस बात से भी डर गई है कि उसका पति और बेटा जो घर पे रह रहे हैं और इसको क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया है, वो भी वायरस ग्रस्त हो सकते हैं। ये उस सपने में उसने देखा और वो काफी परेशान थी। तो ये दो किताबें तो नॉन फिक्शन की थी, अब मैं दो किताबें जो हैं वो उपन्यास हैं जो फिक्शनल राइटिंग्स हैं उन पर मैं बात करूंगा। ये किताब है, पहली किताब द ऑर्फन कलेक्टर, ये एलन मैरी वाइसमैन ने लिखा है, ये भी 2020 में प्रकाशित हुई है ये किताब।
ये जो लेखिका है वो एक मशहूर लेखिका है जिन्होंने कि एक उपन्यास लिखा था जो बहुत चर्चित हुआ था, व्हाट शी लेफ्ट बिहाइंड। ये जो उपन्यास है वो एक हीरोइक नावेल है जो 1918 के फ्लू से बच जाते हैं, उनकी ये हिस्टोरिकल फिक्शन है। और इस उपन्यास को अगर आप पढ़ें तो आपको ये लगेगा कि हमें जिस तरह न्यूयॉर्क सिटी परेशान है, जिस तरह लाशों की बदबू से भरा पड़ा है, जहां वैन आफ्टर वैन कोरोना वायरस डेड को मतलब मृतकों को लेकर के आ रहे हैं, उन्हें शमशान घाट या उनको यहाँ पर उनको दफनाया जाता है, वहां पर जगह नहीं बची है तो उनको कहीं भी गड्ढे में गाड़ दे रहे हैं या उनको किसी आइलैंड पे ले जाके दफनाया जा रहा है। डॉक्टर नर्सेस और जो लोग और फनरल पीपल हैं वे भी वायरस की चपेट में आकर मर रहे हैं, गरीब भी मर रहे हैं, अमीर भी मर रहे हैं, बड़े भी मर रहे हैं, बच्चे भी मर रहे हैं। जो एलन मैरी वाइसमैन ने ये बताया है, इसी तरह 1918 में फ्लू के कारण भयानक स्थिति उत्पन्न हुई, जिसे इस उपन्यास में अच्छी तरह से दर्शाया गया है। इसमें यह भी वार्निंग दी गई है कि 1918 में तीन वेव्स के बाद स्थितियां नॉर्मल हुई थी, और वो भी करीब करीब 9 महीने के बाद, यानी कि वायरसों के हमले वेव्स के फॉर्म में आते हैं, कई कई वेव्स आते हैं। इस उपन्यास की कहानी कुछ इस तरह की है कि फिलाडेल्फिया में 1918 में फ्लू की महामारी फैल जाती है। 13 वर्ष की जर्मन लड़की जो कि वहां माइग्रेंट है और जो स्लम्स में रहती है, उसके पिता विदेश में युद्ध लड़ रहे हैं और वहीं मारे जाते हैं। लड़की जो पिया है, लड़की का नाम जैसे मैंने बताया पिया है, अपनी माँ और 2 छोटे-छोटे भाइयों के साथ एक परेड अटेंड करने जाती है। बाद में उसकी माँ को शहर में फैला हुआ ये फ्लू इन्फ्लुएंजा हो जाता है, जिससे कि वो मर जाती है। पिया अपने अपार्टमेंट में अपने छोटे छोटे भाइयों को के साथ रहती है और बीमारी से बचने के लिए लगातार जद्दोजहद करती है, पर जब खाना खत्म हो जाता है तो वो अपार्टमेंट से बाहर निकलती है खाना खाने की खोज में, पर सड़क पर ही बेहोश होकर वो गिर जाती है क्योंकि उसे भी फ्लू हो गया। जब वो बेहोश हो जाती है तो उसे चर्च के अस्पताल और अनाथालय में भेज दिया जाता है। पहले चर्च के अस्पताल में उसे रखा जाता है, फिर उसे अनाथालय में भेज दिया जाता है। लेकिन वो बार बार कुछ ऐसा रास्ता तलाशती है कि अपने छोटे भाइयों को वो किस तरह से किस तरह मिले, किस तरह से उनसे उनको अपने पास रखे। इस उपन्यास में एक पात्र है बर्निस, जो एक बुरी औरत है और वो बच्चों को चुराने का काम करती है, खास करके वो जो पिया के दोनों भाइयों को चुराना चाहती है क्योंकि उसका खुद का बच्चा फ्लू से मर गया। ये एक अच्छी तरह से बुना हुआ उपन्यास है जिसमें महामारी की भयावहता, अस्पतालों इलाज की दुर्दशा, अनाथालयों और बदतर स्थितियों का बेहतरीन चित्रण किया गया है। अंत में लेखिका ने नोट्स और प्रश्न जोड़े हैं जो कि अनायास ही COVID-19 से हमें जोड़ देता है। इसमें स्लम्स की गरीबी, रेसिज्म और बच्चों की चोरियों का, मैंने बच्चों को चुराने वालों का एक सजीव चित्रण है।
चौथी किताब है वो भी एक नॉवेल है, इसका नाम है वन ऑफ आवर्स बाय विला कैथेदर कैथर की ये किताब है जो 1922 में छपी थी और जिसे 1923 में पुरस्कार मिला हुआ था। ये अमेरिकन राइटर है विला कैथर। इस उपन्यास में एक क्लॉड व्हीलर नाम का युवक है जिसकी ये कहानी है जो कि निप्रेस का रहने वाला है और ये लगभग 20वीं सेंचुरी के पहले दशक के आसपास की ये बात है। क्लॉड एक सफल किसान और धार्मिक माँ का बेटा है। वह एक आरामदायक बचपन में पला बड़ा है लेकिन उसे लगता है कि वह अपने पिता की सफलता और अपने बुरे स्वास्थ्य की वजह से विक्टिम बना हुआ है, मैंने दोनों के बीच में वो फंसा हुआ है। पिता उसे क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं पर वो स्टेट यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पेरेंट्स उसे इसके लिए तैयार नहीं और उसे वहां नहीं भेजते और उसे अल्टीमेटली क्रिश्चियन कॉलेज में ही पढ़ना पड़ता है। एक फुटबॉल गेम के बाद वो एक फैमिली से मिलता है, एलरिज फैमिली से। वहां उसके ऊपर म्यूजिक, फ्री थिंकिंग एंड डिबेट आदि का असर होने लगता है लेकिन उसकी एलरिज से दोस्ती और यूनिवर्सिटी में उसका कैरियर अचानक टूट जाता है जब उसका पिता अपनी पारिवारिक खेती को बढ़ाने का फैसला करता है और उसे अचानक से ही बुला लेता है। जल्दी क्लॉड की शादी हो जाती है जब वो पिता के पास और माता के पास जाकर के खेती के काम में लगा रहता है। शादी उसके बचपन की दोस्त एनेट रॉयस से होती है लेकिन उसके प्यार और शादी का ख्वाब भी टूट जाता है जब उसे लगता है कि उसकी पत्नी को पॉलिटिकल एक्टिविज्म और क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार में ज्यादा रुचि है बनिस्पत इसके वो उसे प्यार करे और उसकी केयर करे। जब उसकी पत्नी एमिट चाइना अपनी बीमार मिशनरी बहन को देखने चली जाती है वो अपने पारिवारिक खेती में वापस आ जाता है। तभी वर्ल्ड वार फर्स्ट आरंभ हो जाता है। उसका परिवार बाहर से आने वाली हर खबर को अपनी जिंदगी में उतार करके उससे सबक लेना चाहता है और जब अमेरिका युद्ध में शामिल होने का फैसला करता है क्लॉड यूएस आर्मी में चला जाता है। जब वह यूएस आर्मी में जाता है तब उसको लगता है कि उसे जिंदगी का एक मकसद मिल गया है। ये नई रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसका फार्मिंग और मैरिज से मिला हुआ दुख कम हो जाता है। इन्फ्लुएंजा के एपिडेमिक और युद्ध स्तर की कठिनाइयों के बावजूद अब उसे इतनी परेशानी नहीं होती जितनी कि पहले होती थी क्योंकि युद्ध के दौरान ही उसे इन्फ्लुएंजा भी हो जाता है और जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है लेकिन फिर भी वो इलाज से ठीक हो जाता है। पर वो खुश तो है लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसका मकसद क्या है। वो उसके उसका मकसद जो है वो एक अस्पष्ट धारणा पर आधारित है और उसके उद्देश्यों की अस्पष्ट यही धारणा एक भारी और भयंकर जर्मन हमले में धाराशायी हो जाती है। इस उपन्यास में पैंडेमिक फ्लू का जिक्र तो है ही है, उसके तमाम पहलुओं का जिक्र है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस उपन्यास में ये दिखाया गया है कि कैसे आदमी जो है अपनी जिंदगी को उद्देश्यपूर्ण बना सकता है, सार्थक उद्देश्यपूर्ण। तो इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ पर खत्म करता हूँ और आपसे बताता हूँ कि मैं अगले शुक्रवार को कुछ और किताबों का जिक्र आपके सामने करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।